जय श्री स्वामीनारायण। ऑल द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7th, वेलकम इन माय लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई कंटिन्यू चैप्टर नंबर 2, इंडिया क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इन आवर प्रीवियस लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन अबाउट natural resources, in that mineral resources, water resources, climatic conditions of India. Today I am going to teach you about the forest resources. In the forest resources, we have already also completed about the where we types of the forest, है ना। last time में हमने फॉरेस्ट के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की क्या उपयोगिता है, तो जनरली भी एवरीवन नो, सामान्यतः हम सब कोई जानते हैं कि फॉरेस्ट किस लिए कितना उपयोगी है हमारे लिए। फर्नीचर्स के लिए वुड मिलते हैं, इवन वी हैव टू स्टे, एनिमल कैन स्टे देयर, गम, मेडिसिंस, है ना, कई चीज़ की चीज़ें हमको प्रोवाइड होती हैं। अब यहाँ जो हम बात करेंगे, फर्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं उसके अंदर कहाँ कहाँ इसका जो उपयोग हो रहा है, किस तरह उपयोग हो रहा है, कुछ उपयोग सहित, उपयोगों सहित हम कुछ लिखेंगे, जिसमें देखिए बोट्स एंड स्टीमर आर मेड ऑफ वुड ऑफ सुंदरी ऑफ द सुंदरबन फॉरेस्ट। इसमें बोट बनाने के लिए और स्टीमर बनाने की जो बात आती है वो खास करके वुड ऑफ सुंदरी, सुंदरी के ट्री के लकड़ी से बनाई जाती हैं जो सुंदरबन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। एसेटिक थिंग्स लाइक, एसेटिक थिंग में कौन कौन सी हैं, जैसे यहाँ आर्टिस्टिक थिंग्स, सॉरी, आर्ट से संदर्भ में बास्केट, मैट, टॉयज, फर्नीचर्स आर मेड ऑफ केन वुड, बांस की लकड़ी से बास्केट बनाए जाते हैं, मैट्स बनाई जाती हैं, टॉयज बनाए जाते हैं और फर्नीचर बनाए जाते हैं। ब्रूम, जिनको हम झाड़ू बोलते हैं, आपको ध्यान में होना चाहिए, ब्रूम्स आर मेड ऑफ लीव्स ऑफ पाम एंड डेड ट्री। हमारे जो झाड़ू आप सामान्य सभी घरों में होते हैं, आपको पता है, है ना, सफाई के लिए बहुत ही आवश्यक, हर घर में होता है सामान्य, क्या जिसका उपयोग हम जो बनाने के लिए, उसमें पाम लीव्स से बनते हैं और डेट के, डेट माने खजूर के, बेर और खजूर के पेड़ जैसे। द कैचू इज मेड ऑफ कैचू ट्री। फिर पेपर बनाना होता हो तो उसके लिए भी हमको फॉरेस्ट आइटम चाहिए, तो पेपर एंड मेडिसिन आर मेड ऑफ देवदार एंड चिट्री। द टी बॉक्सेस, मैच बॉक्स, मैच स्टिक्स, मटेरियल ऑफ गम्स, गेम्स, गेम के मटेरियल, आर्टिफिशियल फाइबर और फिलामेंट आर ऑल्सो मेड ऑफ देवदार एंड चीड ट्री से हमें प्राप्त होता है। इसके बाद में आता है लाख, है ना, इज यूज फॉर मेकिंग वार्निश, इंक इज यूज टू फॉर प्रिंटिंग एंड मेकिंग मैनी मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप एंड ग्रामोफोन। तो इस तरह आपने देखा कि फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। ऐसे अगर हम देखें तो फॉरेस्ट से देखो हमारे पास बारिश, इकोनॉमी के साथ साथ हमें दूसरे बेनिफिट भी होते हैं, बारिश लेके आते हैं हमारे लिए, है ना, ब्रिंग्स रेन। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिंस, मेडिसिन प्लांट है जिसमें अश्वगंधा है, बहेड़ा है, ठीक है, आंवला है, इसे कई हमें पदार्थ में जंगलों से हमको मिलते हैं मेडिसिन प्लांट के अंदर। फर्नीचर्स के लिए हमें वस्तुएं, फर्नीचर के लिए। तो इस तरह आपने देखा कि हमारा फॉरेस्ट से हमें हमारा जो टेम्परेचर है वो भी कूल ले देता है, और इट इज़ द स्टे का सबसे बड़ी बात, इसके फॉरेस्ट आएंगे तो हमें को एनिमल्स देखने मिलेंगे या से जो एनिमल्स को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि
अगर फॉरेस्ट होंगे तो एनिमल्स भी ज़्यादा होंगे। अब नाउ वी नीड टू कंजर्व द फॉरेस्ट। आज डे बाई डे इस युग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट ऑफ करते जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू कट ऑफ द फॉरेस्ट। नाउ वी कंजर्व द फॉरेस्ट की हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करने की ज़रूरत है। फॉर ग्रोइंग मोर फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टिंग देम टू फॉलोइंग मेजर्स आर बीइंग टेकन। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। एक्सिंग ट्रीज इज फॉरबिडन, सीवियर पनिशमेंट शुड बी गिवन डोज हु कट द ट्री इलीगली। अब देखो यहाँ सबसे पहला हमें फॉरेस्ट को कट ऑफ होने से बचाना चाहिए, है ना, फॉरेस्ट को काटने से रोकना चाहिए। बैन ऑन टू कट द फॉरेस्ट। और सीवियर पनिशमेंट, उसके लिए हमें कठोर दंड देना चाहिए जो इलीगली फॉरेस्ट को कट ऑफ करते हैं। ट्रीज शुड बी ग्रोन ऑन द वेस्टलैंड, जहाँ पर्वत भूमि है, बेकार की भूमि है, वहाँ हमें ट्री लगाने चाहिए। बी मोटिवेटेड फॉर एफॉरेस्टेशन, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। सोलर एनर्जी, बायोगैस एंड विंड एनर्जी एंड अदर फॉर्म ऑफ नेचुरल इमरजेंस एनर्जी शुड बी मोर एंड मोर यूज्ड मोर एंड मोर। अब देखो आज हमें लकड़ी की ज़रूरत खाना पकाने के लिए वगैरह आदि कामों के लिए हमको चाहिए। अब उसके लिए अगर हम अल्टरनेटिव सोलर एनर्जी का यूज़ करें, बायोगैस विंड एनर्जी वगैरह का यूज़ करें, तो हम हमारे यहाँ फर्नीचर फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। पीपल शुड बी मेड अलर्ट अबाउट नेसेसरी हेल्प शुड बी प्रोवाइड। लोगों को अलर्ट करना चाहिए नेसेसरी हेल्प करने के लिए आवश्यक। फिर मोर फॉरेस्ट रिसोर्स इंस्टीट्यूशन शुड बी इस्टेब्लिश, ज़्यादा से ज़्यादा हमें फॉरेस्ट रिसोर्स इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करना चाहिए टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फॉरेस्ट इन साइंटिफिक वे, साइंटिफिक तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को बढ़ा सकें। सच एन एटमोस्फियर शुड बी क्रिएट, ईच सिटीजन ऑफ कंट्री शुड बी रेस्पॉन्सिबल वर्क टू प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। और इस तरह का हमें माहौल भी क्रिएट करना चाहिए कि जिससे अधिक से अधिक लोग फॉरेस्ट बढ़ाएं, जंगल लगाएं। तो इसे सोशल फॉरेस्ट्री वर्क भी करने चाहिए जो लोग, ठीक है, हमारे इंक्लूड इन सिलेबस, जैसे हमारे सिलेबस में भी इसको जोड़ा गया है, इसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है। तो वी शुड ऑल्सो ट्राई, हमें सबको इसके लिए प्रयत्न करने चाहिए कि हम जंगलों को बचाएं और आगे से ज़्यादा बढ़ाएं। नेक्स्ट हमारा जो है वाइल्ड लाइफ रिसोर्सिस। हर जैसे जिस तरह फॉरेस्ट का हमारा उपयोग है, वैसा का वैसा जो उपयोग है वो वाइल्ड लाइफ का भी इम्पोर्टेंस है। वाइल्ड लाइफ, द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया इज डिफरेंट एंड वेरिड। भारत के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है वो अलग अलग प्रकार का है। अब नाउ नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, वो एक डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स, अलग अलग प्रजातियों के बर्ड, एनिमल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर हमको, भारत के अंदर जो हैं वो अलग अलग प्रकार की प्रजातियों को देखने में मिलती हैं, विश्व के कई प्रजातियाँ। द वर्ल्ड आर सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, द वेरिड वाइल्ड लाइफ इंक्रीज इन द नेचुरल ब्यूटी। और ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स होंगे वो हमारे नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाएंगे। द वेरिड वाइल्ड लाइफ इंक्रीज द नेचुरल ब्यूटी ऑफ एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। अब हमारे यहाँ भारत के अंदर कौन कौन से एनिमल किस प्लेस पर मिलते हैं, तो सबसे पहले हमें यूज एलिफेंट्स आर फाउंड। बड़े बड़े जो हाथी हैं वो हमें कर्नाटका, केरल और आसाम में अवेलेबल होते हैं। इट इज़ द बिगेस्ट मेमल ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा मेमल। दे आर यूज टू मूव इन द वुड्स, अब इनका उपयोग हम वुड्स जंगलों से लकड़ियाँ लाने के लिए। कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर इन द फॉरेस्ट, जंगल में हम एक जगह से दूसरे जगह सामान वगैरह ले जाने में हम इसका उपयोग करते हैं।
सेकंड है हमारा राइनोस, यूनिक एनिमल है जो इंडिया के अंदर पाया जाता है राइनोस। दे लिव इन द बोग ऑफ आसाम, ये आसाम के क्षेत्र में वेस्ट बंगाल में मिलते हैं हमको। दलदली जो क्षेत्र है आसाम और वेस्ट बंगाल के, वहाँ में अवेलेबल होते हैं। थर्ड वन है वाइल्ड डेस की बात करते हैं, तो वाइल्ड डेस आर फाउंड इन द स्मॉल डिजर्ट ऑफ कच्छ। वाइल्ड डेस समय जंगली गधा है ना, जो हमें स्मॉल डेजर्ट रन लिटिल रन ऑफ कच्छ में, और कैमल्स जो हैं वो हमें फाउंड इन द डेजर्ट रीजन थार क्षेत्र के अंदर हमें मिलते हैं। डेजर्ट एरिया रेगिस्तानी स्थलों पर हमें ऊँट मिलते हैं। देयर आर लायंस एंड टाइगर इन इंडिया, भारत के अंदर लायंस और टाइगर भी हमें अवेलेबल होते हैं। फेसियस फर्सियस एंड लायंस ऑफ एरिया एशिया आर फाउंड इन द ड्वेलिंग ऑफ गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, और ये गुजरात के गिर फॉरेस्ट के अंदर हमको अवेलेबल होते हैं। टाइगर ऑफ वेस्ट बंगाल जिसको रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं आर वन ऑफ द 8 स्पाइसिस ऑफ द वर्ल्ड। टाइगर्स आर फाउंड, इसके अतिरिक्त टाइगर हैं हमें मध्य प्रदेश वेस्ट बंगाल उत्तराखंड इन सम एरियाज ऑफ हिमालयस के अंदर भी हमको अवेलेबल होते हैं। टिबेटियन जो बियर्स है आर फाउंड इन द हिमालय रीजन ऑफ डिडिया पाड़ा फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। टिबेटियन जो बियर है वो हमें हिमालय रीजन के अंदर डिडिया पाड़ा फॉरेस्ट गुजरात के अंदर हमको मिलते हैं। लेपर्ड हाइना ब्लूबर्ड फॉक्स ब्लैक एंटीलॉप डियर आर फाउंड इन इंडिया। लंगूर गिबोन हुलॉक एंड मंगाड़ा आर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मंकी, ये मंकी की कई प्रजातियों के नाम हैं। हमें देखो मंकी के अंदर लंगूर है गिबोन हुलॉक और मंगाड़ा नाम की प्रजातियां हमें भारत के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। देर आर ए वेरियस टाइप ऑफ द बर्ड ऑल्सो सीन, कई तरह के हमें बर्ड्स मिलते हैं, उसमें से देखो डक ईगल पैरोट मैना पिजन कोयल, दिस स्पीसीज ऑफ द बर्ड आर फाउंड इन द लार्ज नंबर इन इंडिया, हमारे भारत के अंदर हमें अन्य कई प्रकार के प्रजातियाँ हमें मिलती हैं। एमंग द फेमस बर्ड आवर नेशनल बर्ड जो हमारा नेशनल बर्ड है वो पिको इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, जो सबसे सुंदर है। इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल फैदर्स, अपने ब्यूटीफुल फैदर्स की वजह से ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। क्रेन्स ऑफ 1.5 मीटर हाई, 1.5 मीटर हाई एंड हैवीएस्ट बर्ड गोराड आर अट्रैक्टिव बर्ड्स, ये दोनों बड़े ही अट्रैक्टिव बर्ड्स हैं और दे लेज एग इन द मड ऑफ बिग रन ऑफ कच्छ, जो रन ऑफ कच्छ के अंदर अपने अंडे रखते हैं। फिर इसके बाद में केलादेव नेशनल बर्ड सेंचुरी जो राजस्थान में स्थित है, इट इज सिचुएटेड इन राजस्थान, इज द वर्ल्ड बिगेस्ट सेंचुरी, विश्व की सबसे बड़ी सेंचुरी है जिसमें 2.5 लाख बर्ड्स आर फाउंड, जिसमें 2.5 लाख एनिमल पाए जाते हैं, यहाँ बर्ड्स पाए गए हैं। नल सरोवर ऑफ ग्रेट इज गुजरात इज अ वेरी फेमस, नल सरोवर गुजरात ऑफ गुजरात है ना, गुजरात के अंदर है नल सरोवर, जो बहुत ही फेमस प्लेस फॉर बर्ड माइग्रेटिंग, माइग्रेटिंग बर्ड के लिए फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड के कई भागों से यहाँ माइग्रेटरी बर्ड आते हैं। इसके बाद में फिश ऑफ द डिफरेंट काइंड्स है ना, अलग अलग प्रकार की मछलियाँ जिसमें मैकरल झींगा बुमला पॉम्फ्रेट हेरिंग सेमन शार्क डॉल्फिन एक्सेट्रा आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न सी शोर ऑफ इंडिया, ये भारत के नॉर्थ ईस्टर्न सी के सी शोर पर हमें अवेलेबल होती हैं। अब आता है हमारे यहाँ पे कुछ मेन सेंचुरीज ऑफ नेशनल पार्क कुछ हैं हमारे भारत के अंदर कहाँ कहाँ हैं, तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कांजीरंगा नेशनल पार्क है, वो आसाम में स्थित है। हिपोपोटामस वाइल्ड बफेलो और डियर, फिर इसके बाद में रन ऑफ थार राजस्थान, ठीक है रन ऑफ थार जो है वो राजस्थान के अंदर है। फॉक्स रन
कैट रन और गोहाड़ यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, टाइगर और स्टेक के लिए होता है। गिर नेशनल सेंचुरी गुजरात के अंदर, लायन और लेपर्ड के लिए, वेलावदर गुजरात के अंदर है। ब्लैक एंटीलॉप खाड़ फॉक्स ब्लू बुल के लिए फेमस है। केलादेव नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द राजस्थान। वेरियस बर्ड्स अलग अलग प्रकार की प्रजातियों के यहाँ पे पक्षी हैं। बांदीपुर नेशनल जो पार्क हैं वो कर्नाटका के अंदर, एलिफेंट बियर पिक वाइल्ड कैट के लिए फेमस है। इसके बाद दची गांव जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, मस्क डियर है। कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है। लायन एलिफेंट और लेपर्ड और डियर। अब देखो यहाँ हमारे यहाँ इन नेचुरल जो हमारे नेचर के जितने रिसोर्स हैं, चाहे वाटर रिसोर्स हो, फॉरेस्ट रिसोर्स हो, लैंड रिसोर्स हो, एनिमल रिसोर्स हो, इन सबको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। आज हम बिना सोचे समझे इसका इतना उपयोग कर रहे हैं कि वन डे इट इज़ गोइंग टू बी इनका डिप्लीशन मतलब ख़त्म हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट नेशनल रिसोर्स है हमारे लिए। वाटर एक सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है। ओनली 2% वाटर ऑफ द अर्थ इज सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग ऑफ ह्यूमन बींग, है ना। 70% जो 71% पार्ट हमारा ढका हुआ है वाटर से, लेकिन ओनली 2% वाटर ऑन द अर्थ, 2% पानी ही पीने योग्य है, सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग फॉर ह्यूमन बींग। अंडरग्राउंड वाटर इज बिकमिंग पोल्यूटेड रैपिडली। अंडरग्राउंड का जो पानी है वो भी हमारा नित्य प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। रिलीज पोल्यूटेड एंड पॉइजनियस गैस, इट हैज़ इंक्रीज द डेंजर फॉर लाइफ एंड एनवायरनमेंट। और ये हमारे लिए इट हैज़ इंक्रीज बढ़ चुके हैं डेंजर फॉर लाइफ। दिस शुड बी सम अल्टरनेटिव वे टू यूज द पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज वाटर। देखो इसके अतिरिक्त देखो हमारी जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो भी पानी को गंदा करते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या होता है, गिवन द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन द करिकुलम ऑफ अवर स्कूल कॉलेज। अब यहाँ पे फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हो, ये वाटर को बचाने के लिए हो, ये सब हमारे यहाँ के कॉलेज स्कूल के करिकुलम में मतलब उसको इकट्ठा किया जाए। मिनिमाइज लॉस, मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड वाटर, है ना, फ्रॉम फायर। और इसके अतिरिक्त तो देखो हमारे यहाँ फॉरेस्ट जो जल करके राख हो जाते हैं, तो फॉरेस्ट फायर से संदर्भ में हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। मिनरल्स आर नेचुरल गिफ्ट ऑफ मैन, मैन को नेचर के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट है। इट इज़ लिमिटेड, इट शुड बी यूज केयरफुली, ये बहुत ही कम मात्रा में होता है और इसे हमें केयरफुली इसका यूज़ करना चाहिए। अल्टरनेटिव शुड बी फाउंड आउट द कंजर्व प्रिजर्व मिनरल्स, मिनरल के लिए हमें एक उसका अल्टरनेट स्टार्ट कर देंगे, हम अल्टरनेटिव कोई वस्तु प्रोड्यूस करेंगे तो हो सकता है हम इसे बचा सकते हैं। मोटिवेशन शुड बी गिवन टू रीयूज द मिनरल, मिनरल्स को पुनः यूज करने के लिए लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन द लाइफ ऑफ द वाइल्ड लाइफ इज इन डेंजर। आज हमारे यहाँ फॉरेस्ट क्या होते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, जिससे जो हमारा वाइल्ड एनिमल का जो जीवन है वो खतरे में है। फ्यू ऑफ स्पीसीज आर रेयरली फाउंड इन द सम एरिया, कुछ स्पाइसीज हैं, काफ़ी स्पीसीज जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, बाकी कुछ एक बचे हैं। बर्ड्स एंड एनिमल्स आर किल्ड फॉर स्किन, देखो बर्ड्स और एनिमल को हम लोग उनकी स्किन के लिए मारते हैं, फेदर्स के लिए, बोन्स के लिए, हॉर्न्स, टीथ, ठीक है। वाइल्ड बर्ड एंड एनिमल आर किल्ड विच इज़ इलीगल है, बर्ड और एनिमल को मारना एक अनैतिक या असंवैधानिक है, जिसे इट शुड बी कंट्रोल, जिसे हमें कंट्रोल करना चाहिए। द सिटीजन शुड हैव नॉलेज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस, देखो सबसे बड़ी बात है यदि हर व्यक्ति में इसकी इम्पोर्टेंस पता चल जाएगा कि अभी एनिमल को क्यों बचाना है या हमें रिसोर्सेज को क्यों बचाना है, तो यदि ये जानकारी होगी तो हर व्यक्ति बचाने के लिए प्रयत्न करेगा। पीपल शुड हैव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वायरमेंट, लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एनवायरमेंट से। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क शुड बी डेवलप, हमें नेशनल पार्क और सेंचुरीज को डेवलप्ड करने चाहिए। पीपल शुड बी ट्रेन्ड एंड मेक अवेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ थ्रू द नेचुरल एजुकेशन कैंप, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड और अवेयर करने चाहिए और कैंपों के माध्यम से, कैंपेनिंग के माध्यमों से। तो इस तरह हमारा यह पूरा हमारा जो चैप्टर था वो
नेचुरल क्लाइमेट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो अभी इनको मैप बुक में लिख लें। यदि आपके पास मैप बुक अवेलेबल नहीं हो पाई हो तो आप इसे नोटबुक में इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखें, उसके नोट्स बनाएं और इस चैप्टर को तैयार करें। जय श्री स्वामीनारायण।